नमो बुद्धाय। प्रियदर्शनी अशोका, जय भीम साथी। Realizing the final meeting, stream sound, quick way to the reduced state. Good morning, very good morning. From Father House, हम आज मेडिटेशन के प्रभाव से थ्री इजी टेक्निक्स टू कंट्रोल
your mind. How to meditate? दोस्तों मेडिटेट से हमें तीन इजी टेक्निक से कंट्रोल अपने माइंड को कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों आज हम 10 मिनट मेडिटेशन के साथ में 10-15 मिनट मेडिटेशन करके हम अपना जीवन सुखमय कैसा कर सकते हैं, हमारा हर दिन अच्छा कैसा कर सकते हैं। जब हम सवेरे उठते हैं हम बड़े खुश हैं, हंस कर बातें करो, जितने ही बजे उठो, मेडिटेशन के साथ में आप अपने जीवन को सुखी कर सकते हैं। तो आज मैं आपको 3 इजी टेक्निक टू कंट्रोल योर माइंड, 3 ऐसी टेक्निक बताना चाहता हूँ जो आपके माइंड को कंट्रोल कर सके। तो दोस्तों एवरीथिंग यू नीड टू नो टू बी कंट्रोल मेडिटेशन आपके लिए, मैं अपने आप को इम्प्रूव करने करके जो आपको लाइफ में सीख सकते हैं। इमेजिन करिए कि आपके थॉट को पूरा कंट्रोल हो, आप अपने एक्शन को कंट्रोल कर पाएंगे, अपने आदतों को कंट्रोल कर पाए, जिसकी आपकी लाइफ बदल सकेंगे। मेडिटेशन एक चीट कोड के समान है जो अपने लाइफ से आगे बढ़ सके। इससे बहुत बड़े बेनिफिट्स होते हैं, कुछ बेनिफिट्स आपको हैरान कर सकते हैं। मेडिटेशन आपके इंक्रीज सेल्फ कंट्रोल, वेट लॉस हो सकता है, आप एंगर इश्यू को रोक सकते हैं, एंजाइटी को भी रोक सकते हैं। इसकी आपको स्लीप, आपकी हेल्थ और आपका फोकस बढ़ जाता है। ये सिर्फ ऊपरी लेयर से बने हैं, सबके डीप ब्रेन मेडिटेशन से आपके अंदर होते हैं। आप लाइफ की हर सिचुएशन को बड़े तेज से फेस कर सकते हैं। आपकी जॉब चले जाए, आपके कुछ भी चले जाए, इसको आपको फर्क नहीं करेगा। आप अपने एडिशन भी कर पाओगे, आप अपने सराउंडिंग से कनेक्टेड फील करेंगे। लेकिन आजकल प्रॉब्लम यह है मेडिटेशन को इतना कॉम्प्लिकेटेड बन सके, आपको बुक्स में बेच सके, इन चीज़ों को आपको ज़रूरत नहीं है। मेडिस प्रैक्टिस की बहुत बढ़िया है ये मेडिटेशन की, इजी सिंपल किस तरह से हो। मेडिटेशन स्टार्ट करने के लिए आपको 3 चीज़ें के आपको ध्यान रखना है। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ मेडिटेशन क्या होता है। मेडिटेशन बहुत सिंपल तरीके से मेडिटेशन अपने दिमाग को शांत करता है। पहले चीज आपको ध्यान रखना है आपका इन्वायरमेंट, एक कंप्लीट ऐसी जगह ढूंढिए कि आप चेयर में बैठ रहे हैं या ज़मीन पर बैठ रहे हैं पालथी मारकर, इससे पर पड़ता है आपकी स्पीड सीधी हो। अगर आप अपनी स्पीड सीधी नहीं रखोगे और आप नीचे लेट जाएंगे तो आप सो जाएंगे, ये हमें नहीं चाहिए। आप ये ध्यान रखिए आपके आसपास डिस्टर्ब करने के लिए कोई ना आए। अपने फ़ोन पर 10-20 मिनट का टाइम लगा लीजिए। अगर आप पहली बार मेडिटेशन कर रहे हैं तो 20 मिनट से ज़्यादा टाइम मत लगाइए। आपको रिलैक्सिंग म्यूजिक भी आप डाल सकते हैं कि आप अपना कान में लगाने का भी कर लगा सकते हो। मैं पर्सनली म्यूजिक को यूज नहीं करता हूँ, लेकिन काफ़ी लोगों को म्यूजिक से बहुत हेल्प मिलती है। म्यूजिक बहुत लाउडली नहीं होना चाहिए, जैसे इस म्यूजिक में रेडियो के समान हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बात करते हैं दी टेक्निक्स, दूसरा टेक्निक जो हर टेक्निक आपको बताएंगे, लेकिन सिंपल टेक्निक ये है, अपनी आँख बंद कर लीजिए, बस अपनी श्वास पर फोकस करिए, सांस अंदर लीजिए और बाहर छोड़िए। कॉन्सेंट्रेट करिए आपकी श्वास अंदर कैसे जाती है, आपकी लंग कैसे एक्सपायर करती है, आपकी बॉडी टेंशन से किस तरह से निकलती है हवा के साथ। आप नोटिस करिए कि आप ऐसा करना शुरू करोगे आपके दिमाग बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, और इसी को मंकी माइंड कहा जाता है। 5 सेकंड प्रैक्टिस में आपको ऐसा लगेगा मैंने तो गाड़ी में चाबी तो नहीं छोड़ दी, कि यार मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट फ़ोन कॉल करनी थी। ये डिस्ट्रैक्ट आपके दिमाग को बहुत भारी पड़ सकते हैं। आपको मन करेगा कि आप बस में उठकर कहीं चला जाएगा, लेकिन हैवी मत होने जाइए। अपना फोकस अपने श्वास पर वापस लीजिए। जब भी कोई थॉट आया इरिटेट ना होइए, यही ना सोचिए अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बस एक थॉट है। और थॉट को ऐसा इमेजिन करिए कि बादल जैसा है, उससे कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है।
उस थाट के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे इमेजिन करिए वो आ रहा है और जा रहा है, हवा में उड़ते उड़ते जा रहा है। यही आपको मेडिटेशन सिखा रहा है। मेडिटेशन गेट एड्स आप द कल्टर। जब आपका टाइम अप हो जाए बस आप उठकर अपना दिन शुरू कर सकते हैं। आपको ये भी करना चाहिए, मेक मेडिटेशन इजी। कैसा आसान कर सकते हैं? अपने घर में एक कॉर्नर बना लीजिए जहाँ पर आप हमेशा मेडिटेशन कर रहे हैं। एक टाइम सिलेक्ट कर लीजिए, हर रोज़ आपको मैं मेडिटेशन करूँगा ये टाइम कि आपको एक रूटीन बना लिए तो आपके लिए एक आसान हो जाएगा हर रोज़ करना। मैं ये करता हूँ, हर रोज़ सुबह मेडिटेट करता हूँ एक्सरसाइज करने के बाद। ये मेरा मॉर्निंग का रिचुअल का पार्ट है। एक्सरसाइज करने के बाद मेरी एनर्जी बॉडी काफ़ी कम होती है, तो मैं ज़्यादा हाइपर तो नहीं होता और मैं शांत तरीके से बैठकर अपने ब्रेथ पर फोकस कर पाता हूँ। बेसिकली हर चीज़ आपको करनी है जिसके आपकी हैबिट, आप मेडिटेशन को हैबिट बना ले और आप हर रोज़ करें। इससे आपको मैं लास्ट पॉइंट पर आता हूँ, कंसिस्टेंसी इज के कंसिस्टेंसी। हर रोज़ मेडिटेशन करिए। अगर आप जिम सिर्फ हफ्ते में एक बार जाएंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसी तरह से मेडिटेशन वंस ए वीक डोंट नॉट हेल्प। आपको डेली डेली करना होगा। और ये मैं समझता हूँ कि नई हैबिट शुरू करने के लिए बड़ी मुश्किल होता है। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि छोटा टाइम जैसे 10 मिनट उतना ही आप हर रोज़ मेडिटेट करिए। मैं आपको ये बताऊँगा ज़्यादातर मेडिटेशन क्यों नहीं कंट्रोल रख पाते, इसलिए कि मान लीजिए आपने मेडिटेशन शुरू किया, आपने 2 हफ्ते तक किया, फिर आपको इम्प्रूवमेंट नहीं लगा तो आप उसको छोड़ दिए। इस तरह से मेडिटेशन काम नहीं करता। मेडिटेशन बहुत पावरफुल है, एक रात का खेल नहीं है। आपके लाइफ में बेनिफिट आने में काफ़ी समय लगेगा, वो बेनिफिट बहुत ही अंदरूनी होगा। मेरी इस बात पर ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर आप हैबिट रख जाएंगे और आप हर रोज़ करेंगे तो एकदम से बदल जाएंगे और आप नए इंसान बन जाएंगे। ज़्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, 20 मिनट का आप बैठिए, हर 10 सेकंड पर डिस्ट्रैक्ट नहीं हुई है। जब तक आपका फोकस अपनी सांस पर वापस नहीं आएंगे आप प्रोग्रेस करते रहेंगे। हो सके आपको 5 सेकंड फोकस कर पाए आप डिस्ट्रैक्ट हो जाए, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे और उस मेडिटेशन को मेडिटेशन ब्रूच जब तक आप इम्प्रूव करते जाएंगे। सबसे बढ़िया बात यह है जब आप अच्छे से हो जाएंगे और आप काफ़ी महीने से और सालों तक करेंगे तो स्टेट ऑफ माइंड जो मेडिटेशन से मिलेगा, जो हमेशा आपके लिए 1 सेकंड पर दूरी रहेगा। अगर आप स्ट्रेस किसी सिचुएशन से फील करेंगे बस एक गहरी सांस लेनी है और आप स्टेट ऑफ माइंड पर चले जाएंगे, आप रिलैक्स हो जाएंगे, फिर आप दुनिया के अनलिमिटेड क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करेंगे। इस बस दोस्तों आपको सीखना है तो आप आ जाइए। तो मेरे दोस्तों चलो आइए, आपको मैं डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर आपको मेडिटेशन के बारे में बहुत कुछ बातें मैं पढ़ाता हूँ। दोस्तों मेडिटेशन से क्या फ़ायदा है ये मैंने आपको बताया, और 3 easy techniques टू कंट्रोल योर माइंड। मेरे प्यारे दोस्तों ये ध्यान में रखिएगा। चलो आइए, मैं आपको अभी 10 मिनट का मेडिटेशन के लिए ऑफर कर रहा हूँ। मेडिटेशन हर दिन की कला है। मेडिटेशन के आपके जीवन में एक पॉजिटिव एनर्जी आती है और उससे आप बदल जाते हो। सिंपल ट्रिक्स टू कंट्रोल योर एनी नेगेटिव थॉट इनटू द मोमेंट ऑफ द पॉजिटिव थॉट। मेरे दोस्तों मेडिटेशन एक ऐसी दवा है जिससे आप अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हो। तो आइए तैयार हो जाइएगा। चेयर पर अगर आपका पेट बड़ा है तो आप अगर बेड पर बैठकर आप मेडिटेशन कर सकते हैं। आप चेयर पर बैठकर भी मेडिटेशन कर सकते हैं। आपको मेडिटेशन करना है तो मेरे साथियों और डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर आपको 10 मिनट के लिए ऑफर कर रहा है मेडिटेशन के लिए। 10 मिनट रिलैक्सिंग गाइड, 10 मिनट की मेडिटेशन की मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। आप और रिलैक्स फील करेंगे, आप और दिमाग में कंट्रोल कर पाएंगे,
इस मेडिटेशन में हर रोज करिए, तब आप बहुत बेनिफिट देख पाएंगे। चलो शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, कोई ऐसी जगह ढूंढे जो कंफर्टेबल हो। ऐसा ध्यान में रखिए अगले 10 मिनट से कोई डिस्टर्ब ना किया जाएगा। अपने कान में ईयरफोन लगाइए और अपने बॉडी को रिलैक्स करिए। एकदम रिलैक्स के तरीके से बैठ जाइए। अपने ब्रीथ पर फोकस कीजिए। अपनी आंख बंद कर लीजिए। आगे एक बात ध्यान में रखिए, कोई सही तरीका नहीं है मेडिटेट का। जो भी आप ये एक्सपीरियंस करेंगे आपके लिए सही है, बस ऑब्जर्व करिए। आइए तैयार हो जाइए दोस्तों। 5, अपने शोल्डर को आगे करिए। 4, 3, फिर धीरे धीरे पीछे से रोल करिए। अपनी गर्दन को एक साइड में दूसरी साइड में ढूंढिए। अपने लेट के शोल्डर को लेफ्ट साइड से मिलिए। 1, अपने राइट ईयर को राइट शोल्डर से मिलिए। अब अपनी सारी मसल रिलैक्स कर लीजिए। आपकी बॉडी और रिलैक्स कर दी जाएगी जैसा आप मेडिटेट करते हैं। अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करिए। नोटिस करिए कि आपकी सांस कैसे अंदर आती है और कैसे बाहर जाती है। इसको बदलने की कोशिश मत करिए, ऑब्जर्व करिए। एकदम शांति से बैठ जाइए। अपने दिमाग में ये देखिए आपकी सांस कैसे अंदर आ रही है और कैसी बाहर जा रही है। जब भी आपका बस अपने ब्रीदिंग पर फोकस करिए, अपना ध्यान वापस ले आएगा। आपके दिमाग में जो भी थॉट आए उसको नोटिस करिए, लेकिन उनके ऊपर ज़्यादा फोकस मत करिए, उस आने दीजिए, अपने चले जाएंगे। अपने सांस लेने के तरीके से आप देखिए सांस कैसे अंदर आ रही है और वह जिस शांति होती है वो श्वास में, फिर आप कैसे निकल रही है, फिर वो साइलेंट दूसरी सांस लेने के पहले हर सांस के बीच थोड़ा सा ब्रेक होता है, उसका नोटिस करिए। अगर आपके दिमाग में कोई भी थॉट आए, इमेजिन करिए बादल की तरह है, वो आएगा हवा के साथ धीरे के साथ निकल जाएगा। अपना अटेंशन अपने ब्रीदिंग पर वापस ले आइए। फील करिए आपका चेस्ट और स्टमच धीरे धीरे ऊपर और के धीरे धीरे अंदर वापस जाता है हर सांस के बाद। अब जैसे आप इनहेल करेंगे तो अपने दिमाग में साइलेंट काउंट करिए 1, और इनहेल करेंगे हर काउंट करिए 1, अगले ब्रेथ पर फिर 1 काउंट करिए, फिर एक्जिल करिए और फिर 1 करिए। इनहेल 1, एक्जेल 1। इसी तरीके से हर सांस को अंदर लेने और बाहर लेने का प्रोसेस करिए, तो आप इस तरह से 100% एक समझिए। ऐसा आपको 6 बार करूँगे तो 10-15 मिनट हो जाते हैं। आप थोड़ी देर तक करते रहिए। इनहेल करिए 1, एक्जेल करिए 1, शांत माइंड से करिए। सवेरे उठ कर करिए। जब भी आप सवेरे उठ जाते हो तो इस तरह से करिए।
Inhale one, exhale one. Inhale one, exhale one. Inhale one. Exhale one. Inhale one. Exhale one. Order for you to just relax and enjoy this practice. And once you get comfortable, gently close your eyes and allow your awareness to start to drift within, exploring, becoming curious about your inner landscape. Just observing it right now without any sense of judgment. Letting it be whatever you observe. Noticing your breath and your body and how it feels to be here now. Just playing the thought experiment of being the observer. What's it like to just observe yourself without judgment? Without labels? Condition called PCOD, and I have been using Healthify Meal since then. I have lost 21 kilos. जैसे बैठे हो सीधे गर्दन से भी रिलैक्स धीरे से श्वास अंदर आती है बाहर जाती है बस दोनों का जो फासला है वो गैप है उन्हें देख कर रखिए आपको एक बार श्वास लेने पर एक दिमाग में एक बोली है बाद में दूसरी श्वास पर दो बोली रिलैक्स मोड पर आपको बैठना है आपको मेडिटेशन है Enjoy your life with meditation. Enjoy your life with meditation. आपको 10 मिनट या जितना भी घंटा आप
मेडिटेट करना है, मेडिटेट की बहुत बड़े कदर है। 250 साल पहले भगवान ने कहा इस कला को एक साइंटिस्ट करके हमको दिया, और आज हम लोग मेडिटेट होकर इसका बहुत बड़ा बेनिफिट ले रहे हैं। आओ दोस्तों, सुंदर रहता है मेडिटेशन के साथ आपको जीना। मास्टर ऑफ मेडिटेशन डॉक्टर सुचरण कवर टू ऑल द थिंग्स ऑफ द मेडिटेशन एंड गिव द बेनिफिट टू द मेडिटेशन। श्वास आती है, श्वास जाती है, रिलैक्स योर माइंड, एंजॉय विद द मेडिटेशन, एंजॉय मेडिटेशन। कितना भी बड़ा आपको राजा और वर्ग हो, मेडिटेशन हमारे दिमाग पर का सब फायदा ही करता है। श्वास आती है आने दो, श्वास जाती है जाने दो। Enjoy yourself. एक ऐसे प्लेस पर बैठिए जहाँ शांति हो। सिंगल मेडिटेशन एक रूम चूज कर लिए और वहाँ मेडिटेशन से बहुत बड़े फायदे आपको मिले। हर दिन के प्रैक्टिस के साथ में आप एक म्यूजिक सिलेक्ट कर लीजिएगा, रिलीजिंग द यूनिवर्स म्यूजिक, से हमें कंटिन्यू कर। Order medicines direct from Apollo. Get flat. Swas aati hai, jaane do. Swas jaati hai, jaane do. धीरे से धीरे धीरे अपनी आंखें, अगर आपको 10 मिनट करना है, हर दिन आपको करना है, क्या आप हर दिन नहाते हो? क्या आप हर दिन मुंह धोते हो? हर दिन आंखें धोते हो?
शरीर का पार्ट इतना खराब है, हर दिन धोना पड़ता है, हर पार्ट धोना पड़ता है, और जो भी ओपन पार्ट है, हमारे 10 ओपन पार्ट है, आंखें, कान, नाक, मुंह, गला, हाथ, पांव, गुर्दार, यूरिनल पोर्शन, ऐसे 10 पोर्शन हमारे ऊपर है, हमें इनको स्वच्छ करना पड़ता है। वैसे ही ब्रेन को भी स्वच्छ करना पड़ता है, क्लीन योर ब्रेन। दिन भर की गंदगी हजारों साल से गंदगी है, कई साल से आप में निगेटिव थाट आए हैं, उन्हें पॉजिटिव करना है, हर निगेटिव थाट को पॉजिटिव करना है। दोस्तों सुनो, रखिए नाउ टुडे वी लर्न वर्षावास का टाइम है, और हम तो धीरे से मेडिटेशन को, विपस्ना को आप धीरे से आंखें खोल सकते हैं, आंखें खोल सकते हैं। धीरे से आप आंखें खोल सकते हैं। और आज मैं आपको मिरेकल ऑफ द मेडिटेशन, कई ऐसे चमत्कार किए हैं जिसका दोस्तों आज बात मेडिटेशन की, यानी कि ध्यान की। मेडिटेशन से होने वाले 10 चमत्कार हम आपको बताते हैं। आपको पता है कि लगातार सोच विचार से हमारे शरीर पर बुरा असर देखने को मिलता है, हम कमजोर होते जाते हैं, जिसका असर त्वचा में भी काफी हद तक देखने को मिलता है। और आपको ये जानकारी होगी, त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, जिससे सभी अंग जुड़े होते हैं, और अगर त्वचा की चमक नहीं है तो उससे हमारी सुंदरता भी प्रभावित होती है। अगर हमारी त्वचा चमक रही है तो हम सुंदर दिखते हैं। लेकिन मेडिटेशन और ध्यान एक ऐसी प्राचीन पद्धति है जो आपको हमेशा जवान रखती है और खूबसूरत रखती है। दरअसल यह एक विद्या है जो जीवन को रिचार्ज करती है, ये तन और मन दोनों को क्रियाशील बनाती है। ध्यान एक ऐसी क्रिया है जिसके माध्यम से आप अपने जीवन की अनेक समस्याओं को सुलझा सकते हैं। आइए हम आपको इसके चमत्कार बताते हैं। सबसे पहली चीज, अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आप अपनी उम्र को रोक लेते हैं। इसका मतलब यह है कि आप जल्दी ही उम्र दराज नहीं दिखते हैं। इसके परखने के लिए आप तमाम योग गुरुओं को देख सकते हैं जो 50-60 के होने के बाद भी महज 32-35 के दिखते हैं। दूसरी चीज, अगर आप निरोग रहते हैं, मतलब रोगों से मुक्त रहते हैं, और अगर इसे रहना चाहते हैं तो आपके लिए मेडिटेशन किसी चमत्कारिक वरदान से कम नहीं। यहां तक कि मेडिटेशन और योग ने तमाम अपाहिजों के शरीर और दिमाग में जान डाल दिया है। कई ऐसे चमत्कार किए हैं जिसका दस्तावेज गूगल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। तीसरी बात करें तो कमजोर दिमाग और भूलने की समस्या से मुक्ति मिलती है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं, तो आप
आपको किसी दवा की जरूरत नहीं है, बल्कि आप ये चमत्कार भी देखेंगे कि आपका कमजोर दिमाग मजबूत हो जाता है। अगर हम चौथी चीज की बात करें तो गुस्सा करने की आदत धीरे धीरे काबू में आ जाती है और पूरा दिन अच्छा और सकारात्मक माहौल बना रहता है, यानी कि तमाम आपके काम बिगड़ने से बच जाते हैं। इसलिए आप चाह के भी काबू नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप योग करते हैं तो आपको इससे राहत मिलेगी। पांचवी चीज की बात करें तो लगातार लंबे समय तक ध्यान साधना करने से व्यक्ति में कुछ असामान्य शक्तियां पैदा हो जाती हैं। जो असामान्य शक्तियां हैं वो आप में आ जाती हैं, जैसे भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं का पूर्वाज्ञान, किसी के मन की बात को जान लेना। ऐसा दरअसल इसलिए होता है कि आप जब ध्यान लगाते हैं, कंसंट्रेट होते हैं, तो आप तमाम बाहरी चीजों से अलग हो जाते हैं और आप में कुछ ऐसी शक्तियां पैदा हो जाती हैं जो कि लोगों से अलग होती हैं। अच्छी बात करें तो ध्यान आपके शरीर की कोशिकाओं एवं इंद्रियों को नियंत्रित कर मांसपेशियों को आराम देता है, जैसा कि आपने विज्ञान में भी पढ़ा होगा, और नए त्वचा कोशिकाओं का निर्माण कर हमारे शरीर को क्रियाशील बनाता है, मुक्त कणों और तनाव का मुकाबला कर चेहरे पर पड़ी झुर्रियों की समस्याओं को दूर करता है, जिसके लिए आजकल लोग बड़े बड़े डॉक्टरों के संपर्क में आते हैं, तमाम तरह की दवाइयां लेते हैं, बढ़ते तनाव को कम कर हार्मोनल असंतुलन जैसी बीमारियों को भी दूर कर हमारे तन मन को तरोताजा करता है। इसलिए भी मेडिटेशन बहुत जरूरी है। अगर हम सातवीं चीज की बात करें तो लगातार होती जीवन की भागदौड़ में अनेक प्रकार की उलझने और तनाव आते हैं, जिससे हमारा मन हमेशा विचलित रहता है। ध्यान ऐसे समय में वरदान रूपी भेंट है, जिसे करके आप अपने अंदर की उथल पुथल को काफी हद तक शांत कर सकते हैं और अपने काम में बहुत आगे जा सकते हैं। अगर हम सातवीं चीज की बात करें तो ध्यान करने से हमारा मन शांत होने के साथ शरीर में स्थिरता बढ़ती है और बीमारियों की से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है, जिसके लिए कई बार डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं। इससे शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है और त्वचा की नमी को बनाए रखने के साथ उसे सुंदर और सुखद बनाने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कई दिमागी बीमारियां भी दूर करता है, मन में शांति प्रदान करता है। विज्ञान भी कहता है कि अगर आपके शरीर को स्वस्थ रखना है तो आपके ब्लड सर्कुलेशन और आपकी जो धमनियां हैं वो चलती रहनी चाहिए, और उसके लिए योग यानी मेडिटेशन से बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता, ध्यान से बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आठवीं चीज की बात करें तो तनाव बढ़ने से शरीर का रक्तचाप बढ़ने लगता है, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा काफी बढ़ जाता है, और आप देखेंगे कि आजकल सबसे ज्यादा मौत आदमी की असमय अचानक हार्ट अटैक से ही होती है। ऐसे समय के लिए विशेषकर उच्च रक्तचाप की समस्या के लोगों के लिए ध्यान एक तैयार टॉनिक की तरह है, एक चमत्कार की तरह है जो उस पे रोक लगाता है, जिसे नजरअंदाज करना सबसे बड़ी भूल हो सकती है। ध्यान करने के लिए आप 15 से 20 मिनट तक अपनी आंखों को बंद करें और ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं। यही वो समय होता है जब आप खुद को जान पाते हैं, अपनी शक्तियों के बारे में जान पाते हैं। और अगर हम इसके 10वें चमत्कार की बात करें तो ध्यान करने से हमारे शरीर की ग्रंथियां स्थिर रहती हैं, मन को अपने काबू में करने की शक्ति मिलती है, जिससे मानसिक चंचलता और अस्थिरता पर नियंत्रण आता है, जिससे हमारा मन हमेशा तनाव मुक्त रहते हुए खुश रहता है। और आपको पता है कि अगर आप खुश रहते हैं, आपका मन खुश रहता है, तो आपका जीवन कैसा होगा। दोस्तों, आज मेडिटेशन के टॉपिक में दोस्तों मेडिटेशन का करने से असली फायदा क्या है, मेरे साथी को मैं बुलाकर आज आपको फादर हाउस में मेडिटेशन का फायदा बताया हूँ। तो मेडिटेशन करने का असली फायदा क्या है दोस्तों, नमो बताए मेरे साथी हो, मेडिटेशन करने का असली फायदा क्या है। क्या आपने कभी सोचा है मेडिटेशन का असली फायदा क्या होता है? व्हाट इज द रियल पॉइंट ऑफ मेडिटेशन? मेडिटेशन का असली बेनिफिट का काफ़ी मुश्किल लगता है। मान लीजिए आप जिम हरदम जा रहे हैं तो आपकी फिगर अच्छी हो जाएगी, लेकिन लोग एक्सरसाइज करते हैं, आप एक साल तक अगर मेडिटेशन करेंगे तो आपकी ब्रेन की
सिक्स पैक्स आ जाता है। काफ़ी से लोग समझ नहीं पाते असली लाइफ में मेडिटेशन से क्या फ़ायदा है डेली लाइफ में, इसलिए वो मेडिटेशन कर नहीं पाते। मेरे काफ़ी दोस्त हैं, मेडिटेशन मेरे लिए तो काम नहीं करता है, ये पुराने ज़माने की सीट है। एक जगह पर बैठ कर किसी चीज़ के बारे में ना सोचने का फ़ायदा क्या है? आप भी इसी तरह सोचते हैं तो मैं आपसे, क्या आपने 20 मिनट डेली हर दिन वो एक महीने तक के मेडिटेशन किया है? ये अगर आपने ट्राई नहीं किए हैं तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि मेडिटेशन आपके लिए काम नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब तो, हेलो मेरे दोस्तों, मैं मेडिटेशन के बारे में आपको बताने वाला हूँ, द बेनिफिट ऑफ मेडिटेशन। आपको फिक्र, मैं आपको कोई पैसे नहीं मांग रहा हूँ, मैं आप ये चीज़ फ्री में बेच रहा हूँ जो आपके ज़िंदगी में हेल्प करेगी। अगर आप जिम एक हफ्ते के लिए जाते हैं और आप कंप्लेकर जिम जाने से मेरी बॉडी बदल नहीं हुई है तो आपको बेवकूफ़ी भी बोला जाएगा। लेकिन यही बेवकूफ़ी से लोग मेडिटेशन से ही बोलते हैं कि मेडिटेशन मेरे लिए कुछ काम नहीं करता। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जब आप छोटे बच्चे थे, जब वीक थे, वह आप पुशअप नहीं कर पाते थे तो आपको पता ही नहीं था कि चेस्ट मसल को इस तरह से मूव किया जाती है। लेकिन आपने पुशअप करना शुरू कर दिया एक महीने के लिए तो आपकी और वार धीरे धीरे आप ताकतवर हो जाएंगे, आपके मसल कंट्रोल आ जाएगा, आपकी मसल इस तरह से कंट्रोल कर पाएंगे आपने सोचा ही नहीं पाएगा। और मेडिटेशन ऐसी चीज़ है आपके दिमाग के लिए करेगा। मैं अपने लाइफ का एक एग्जांपल देता हूँ, मैं एक टीचर हूँ और मैं कुछ भाषण देता हूँ, मैं कई बार ऐसे होते कि मेरे को गुस्सा होता था, इनपेशेंट होता था, मैं छोटी छोटी चीज़ों पर नाराज़ हो जाता था। जब से मैंने मेडिटेशन हर रोज़ करना शुरू कर दिया, 2 महीने में मैंने ये बातें किया कि मेरी डायरी एंट्री में और मेरी निगेटिविटी बची ही नहीं है, तभी मुझे ये समझ में आ गया कि एक्चुअल में बदल गया हूँ, छोटी चीज़ों से मुझे फ्रस्ट्रेशन नहीं होता। मैं आपको और कैसे एक्सप्लेन करूँ? तो दोस्तों, आपका दिमाग ताकतवर हो जाता है, निगेटिव थाट जो है वो हैवी वेट की तरह होते हैं। जितने आपका दिमाग ताकतवर हो जाता है उतने आप बड़े निगेटिव थाट को झेल पाते हैं। एक और आपको बताता हूँ, मान लीजिए आपने ज़िंदगी में एक्सरसाइज नहीं किया हो और आप अनहेल्दी थे, लेकिन आप खाई में गिर गए और आप लटक रहे थे, वहाँ पर आप कमज़ोर और मोटे थे और एज पर लटक रहे थे, क्या अपन ऊपर को खींच पाए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप नीचे गिरकर मर जाते हैं। लेकिन और आप हल्के होते हैं, ताकतवर होते हैं तो आप ऊपर खींच पाते हैं। इसी तरह से आप लाइफ में अगर कोई बुरा होता है, आप मेंटली स्ट्रांग नहीं होते तो आप ख़त्म हो जाएंगे। मेडिटेशन ऐसा नहीं करते कि आपकी सारी फीलिंग सॉरी मेडिटेशन विल बी नॉट मेक टू द फीलिंग्स लेस। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस शुरुआत करिए, 10 मिनट हर रोज करिए, स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन हर रोज करना है आपको, हर रोज 1 महीने के लिए करिए। और एक चीज़ करिए कि अपने थॉट के बारे में हर बार लिखिए, मैं गारंटी से कहता हूँ आप 2 महीने में लगा मेडिटेशन करोगे तो आपके थॉट को सोचेंगे मैं डायरी को तो आप डायरेक्टली देख पाएंगे मेडिटेशन का कितना पावरफुल होता है। कई साइंटिफिक के बाद में ये देखा गया है 2 महीने मेडिटेशन के बाद में दिमाग में ग्रे मैटर, उन एरिया से जो लर्निंग मेमोरी ग्रे मैटर इज इंक्रीज बढ़ जाता है। तो इन लोगों ने उस मान को साधुओं को स्कैन किए थे जो साधुओं से मेडिटेशन किया था, उन लोगों से कंपेयर किया जो मेडिटेशन नहीं करते। साइंटिफिक ने यह देखा कि मंक्स आप हीरो मोर द एम्पैथ, एम्पैथी का मतलब होता है दूसरे का दर्द आप समझ सकते हैं। अब मेडिटेशन का बेनिफिट हजारों है, लेकिन सबसे बड़े प्रॉब्लम यह है लोग जल्दबाजी में आ जाते हैं और इस रिजल्ट ना देख पाते हैं। मेडिटेशन वॉन्ट टू द चेंज टू योर लाइफ और नाइट, ये आपको बहुत समय तक करना पड़ेगा, आप बदल गए। सालों मेडिटेशन करने के बाद आपको लॉन्ग टाइम पर करना होगा, ये लाइफ टाइप का एक पार्ट बन जाना पड़ता है। मेडिटेशन से मैं पहले नफरत करता था, लेकिन मैं एक जगह बैठने से बहुत उलझन होती थी। मैंने ये डिसाइड किया कि मेडिटेशन मैं सुबह उठने के बाद में करता हूँ, अगर मैं डेली करता हूँ तो मेडिटेशन द राइट आफ्टर आई वॉक अप। मेडिटेशन करना बहुत मुश्किल होता है, सुबह सुबह में कर लीजिए, गेट इट डन एज सून एज प्रेजेंट। मोर अबाउट द मेडिटेशन, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेडिटेशन के बारे में और बहुत कुछ बता सकता हूँ मेरे दोस्तों, और ध्यान आपकी ज़िंदगी में बदल देगी।
ध्यान आपका जिंदगी में बदल सकता है। तो दोस्तों, आओ मैं मेरे दोस्तों को बुलाकर भी मैं आपसे इन बातों को वर्च करना चाहता हूँ। मेडिटेशन यानी ध्यान, ये एक ऐसा शब्द है जिसे सब जानते तो हैं पर करते कुछ ही लोग हैं। पर आप लोगों में से ज्यादातर लोग शायद जानते ही नहीं कि मेडिटेशन क्या क्या कर सकता है। आप ये जानते ही नहीं कि मेडिटेशन से आप लिटरली अपनी जिंदगी को पूरी तरह से पलट सकते हो। ये आपकी जिंदगी को बदल सकती है। सब कॉन्शियस माइंड की पावर को हासिल करने के लिए मेडिटेशन आपके लिए एक टूल बन सकता है। आपके कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड के बीच में जो कनेक्शन है, मेडिटेशन उसे और भी ज्यादा मजबूत कर देती है, जिससे आप जैसी चाहे वैसी रियलिटी को मैनिफेस्ट कर सकते हो। पिछले कई दशकों से मेडिटेशन के ऊपर कई स्टडीज की गई है और उन्हीं स्टडीज से ये पता चला है कि मेडिटेशन आपके जिंदगी के हर पार्ट को इफेक्ट करती है। मेडिटेशन आपके ब्रेन को साइकोलॉजिकली ही नहीं बल्कि फिजिकली भी चेंज कर देती है। मतलब ये आपकी ब्रेन की साइज को ही चेंज कर देती है। जी हाँ, ये सुनने में तो अमेजिंग जरूर है, पर मेडिटेशन की ये इफेक्ट साइंटिफिकली प्रूव्ड है। 2011 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सैरा लाजार ने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि जस्ट 8 हफ्ते की मेडिटेशन से आपके ब्रेन की साइज फिजिकली चेंज होने लगती है और आपके ब्रेन के जो बैड पार्ट्स हैं, मेडिटेशन उसे श्रिंक यानी छोटी कर देती है, और जो गुड पार्ट्स हैं, जो कि आपके कॉन्फिडेंस और बाकी पॉजिटिव चीजों से जुड़ी हुई है, उन पार्ट्स की साइज को बढ़ा देती है। आपके ब्रेन की लेफ्ट हेमिस्फीयर आपकी लर्निंग एबिलिटी के लिए होता है। मतलब अगर आपका ब्रेन का ये पार्ट हेल्दी है तो आप किसी भी चीज को अच्छे से समझ सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बातों को समझने में दिक्कत होती है, तब आप मेडिटेशन शुरू कर दो और बस कुछ ही दिन में आपकी समझने की शक्ति पूरी तरह से लौट जाएगी। मेडिटेशन आपके ब्रेन के PCC को भी इफेक्ट करती है। ब्रेन का ये हिस्सा आपको अपने थॉट्स को यानी विचारों को कंट्रोल करने की शक्ति देती है। मतलब अगर आपके मन में हमेशा उल्टे सीधे विचार दौड़ते रहते हैं जो किसी काम के नहीं, और आप चाह के भी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको मेडिटेशन करना ही चाहिए। क्योंकि अगर थॉट्स को कंट्रोल करने की आपकी शक्ति बढ़ जाएगी, तब आपके माइंड में वही बातें रहेगी जो आपके काम की है। इससे आपकी फोकस और कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाएगी और आप हर काम को एक एफिशिएंट वे में कर पाओगे। TPJ नामक जो हिस्सा है, ये आपके अंदर की इमोशंस और फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। ये आपके कॉम्पैशन यानी जंगली रंगी के RPL टूर्नामेंट में इन्होंने 1.5 करोड़ रुपए जीता है। मैंने 1.5 करोड़ रुपए जीता है। दया की फीलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम एकदम ज़ॉम्बी जैसे हो गए हैं। मतलब हमारे अंदर जितनी कॉम्पैशन और लव की फीलिंग्स होनी चाहिए उतनी नहीं होती है। और इसलिए लोग सेल्फिश बन जाते हैं और सिर्फ खुद के बारे में ही सोचते हैं। आप लोगों में से कुछ ऐसे लोग जरूर होंगे जो ये सोचते होंगे कि यार मैं उतना भी दयालु नहीं हूँ, पर शायद मेरे अंदर फीलिंग्स की कमी हो गई है। बचपन में जैसे हम बिल्कुल इंथुसियास्टिक टाइप रहते थे, वैसी लाइफ नहीं रह गई है अब। तो ये सब होता है हमारी जिंदगी के भाग दौड़ के वजह से। तो अगर आपको वही बच्चों वाली इंथुसियाज्म चाहिए, तब तो आपको मेडिटेशन करना ही चाहिए, क्योंकि ये आपकी टेम्पोरोपैरेटल जंक्शन यानी TPJ को स्ट्रॉन्ग करता है। आप बस कुछ हफ्ते मेडिटेशन कीजिए और मैं ये श्योर बोल रहा हूँ कि आप 1-2 हफ्ते बाद इस वीडियो के नीचे कमेंट करोगे कि अरे यार, आज मैंने रोड पे उस भिखारी को देखा ना, तो मुझे बहुत दया आया यार, पहले की तरह फीलिंगलेस ज़ॉम्बी की तरह नहीं रह गया। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो ट्राई करके देखिए, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ मैं। जैसे मेडिटेशन आपकी दिमाग की गुड पार्ट्स को बढ़ाता है, तो ये आपकी बैड पार्ट्स को कम भी करता है। इसे आपके ब्रेन में एक अमिग्डाला नाम का पार्ट है जो आपके अंदर की डर, एंग्जाइटी और स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप मेडिटेशन करते हो तो मेडिटेशन आपके ब्रेन की अमिग्डाला की सेल वॉल्यूम को कम कर देता है और उसके चलते आपके अंदर से डर, चिंता और स्ट्रेस
बहुत ही कम हो जाता है। ये आपके अंदर की बैड इमोशंस को हटा देती है। अगर आप कुछ हफ्तों तक मेडिटेशन करोगे तब आपके अंदर एक अजीब सी सुपर पावर महसूस होने लगती है। उड़ने वाली नहीं, पर सुपर पावर्स लाइक इंक्रीज्ड कॉन्फिडेंस, फियरलेसनेस, अट्रैक्शन टू ऑपोजिट जेंडर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दिमाग के इन बेनिफिट्स के साथ साथ मेडिटेशन आपके जिंदगी के कुछ बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को भी खत्म कर देती है। जैसे आप लोगों में से जो लोग परफेक्ट हो वो तो ठीक है, पर हो सकता है कि आप शायद ओवरवेट या अंडरवेट हो। अगर आप ओवरवेट हो तो मैं श्योर हूँ कि आप इंटरनेट पे सर्च तो करते ही होंगे कि हाउ टू लूज वेट। तो मैं आपको सबसे इजी तरीका बताता हूँ और वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन आपकी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है और आपको परफेक्ट वेट पाने में मदद करती है। इसका उल्टा, अगर आप अंडर वेट हो तब भी आप मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि अगर आपका वेट कम होगा तभी आपकी मेटाबॉलिज्म को कम कर देती है और इसके चलते आप नॉर्मल वेटेड बन सकते हो। मेडिटेशन तनाव, चिंता और डर जैसी फीलिंग को बहुत कम कर देती है। स्ट्रेस यानी तनाव एक्चुअली खराब नहीं है आपके लिए, इनफैक्ट थोड़ी सी स्ट्रेस अगर होती है तो वो आपको एक्टिव रखती है। पर आजकल के दुनिया में लोग कुछ ज्यादा ही स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं और ये एक ट्रू फैक्ट है कि स्ट्रेस शरीर के सारे बीमारियों का कारण होता है। अगर आप दिन में बस 5 मिनट भी मेडिटेशन करोगे ना तो वो कम से कम 70-80% स्ट्रेस को कम कर देती है। कई लोग तो स्ट्रेस खत्म करने के लिए आर्टिफिशियल चीजों का इस्तेमाल करते हैं। मेडिटेशन के बारे में लोगों को अवेयर होना चाहिए। ज्यादातर लोगों को मेडिटेशन की बेनिफिट्स का अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है। अगर बस 5 मिनट की मेडिटेशन आपके स्ट्रेस को फ्री में खत्म कर सकती है तो आर्टिफिशियल तरीकों में पैसे खर्च करने का क्या फायदा। मेडिटेशन आपको बैड हैबिट से छुटकारा पाने में भी मदद करता है। ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसे हम DPC कहते हैं। ये पार्ट आपके विल पावर यानी इच्छा शक्ति के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बहुत सारे स्टडीज में ये पाया गया कि मेडिटेशन आपके इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। मेडिटेशन उन सब बेनिफिट्स के साथ साथ आपके हेल्थ को भी इम्प्रूव करती है। आपके ब्लड में मौजूद सी रिएक्टिव प्रोटीन जो कि हार्ट डिजीजेस यानी दिल की बीमारियों से रिलेटेड है, उसे मेडिटेशन कम कर देती है। अगर आपके फैमिली में आपको या फिर किसी भी फैमिली मेंबर को हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन की बीमारी है तो आप उनको मेडिटेशन रिकमेंड करो, क्योंकि सिर्फ 2-3 महीनों की मेडिटेशन से उनकी कंडीशन इतनी इम्प्रूव हो जाएगी ना जितना आप सोच भी नहीं सकते हो। हेल्थ बेनिफिट्स के लिस्ट में सबसे बड़ा फायदा है स्लो एजिंग। लोग न जाने केमिकल्स के बने कितने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, पर आपको ये जान लेना चाहिए कि अगर आपको अपने चेहरे पर चमक चाहिए तो आप आर्टिफिशियल तरीकों को हटा के बस डेली 10 मिनट की मेडिटेशन कीजिए। अगर आपके चेहरे पर चमक नहीं आई तो आप मेरा नाम चेंज कर देना। मेडिटेशन आपके माइंड को और खुशहाल बनाती है। आपने ये नोटिस किया होगा कि जब भी आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजरते हो तो आपको अच्छा नहीं लगता, आपको चिड़चिड़ापन महसूस होता है। पर आजकल की दुनिया जहाँ सब स्ट्रेस में जी रहे हैं, खुशी को तो लोग भूल ही गए, इसलिए तो लोगों को कॉमेडी देखना इतना पसंद है, इसलिए लोग कॉमेडी वीडियोस देखते हैं। पर क्या आप जानते हो कि अगर आप डेली बस 5-10 मिनट की मेडिटेशन करोगे ना तो आपको खुश होने के लिए किसी भी तरह की सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंसान का बेसिक नेचर होता है खुश होना, पर हमारी स्ट्रेसफुल लाइफ उस बेसिक नेचर को बदल देती है। मेडिटेशन बस उस बेसिक नेचर को वापस लाने में मदद करती है। दोस्तों, डॉक्टर सच्चिदानंद पिल्लैकर, द मास्टर ऑफ द मेडिटेशन। मैं हर दिन से कई सालों से मेडिटेशन कर रहा हूँ। लोग मुझे पूछते हैं कि भाई पिल्लैकर जी, इतनी स्कूल कॉलेज चलाते हैं और इतनी एजुकेशन ले रहे हो और इतनी समाज कार्य कर रहे हो और बहुत सारी बातें कर रहे हो, लेकिन आपके चेहरे पर हरदम खुशी या खुशी दिखती है, तो ये किस लिए खुशी आ गई है? ड्यू टू द मेडिटेशन। मैं खुद को मास्टर मेडिटेशन कहता हूँ। बहुत सारे लोग मैंने देखा
मेडिटेशन के लिए, विपसना के लिए इगतपुरी और बड़े बड़े ठिकान में जाते हैं, कोई लोग फॉरेन में जाते हैं। लेकिन दोस्तों कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आइए मेरे से बात करिएगा। मेडिटेशन कैसे करें मैं आपको बताता हूँ, और आपका सभी डर निकल जाएगा, ट्रेस निकल जाएगा। मुझे बचपन से, मैं नगराध्यक्ष बनने के बाद में मुझे हाइपर टेंशन आया था, बीपी बहुत आई, शुगर बढ़ गई, लेकिन आज मेरा शुगर और बीपी नॉर्मल है। मैं साल में एक बार दवा खाना जाता हूँ, सिर्फ गोलियाँ लेता हूँ, और मैं आज जो इतने सालों का ट्रेस है सब निकल गया। तो दोस्तों मेडिटेशन से बहुत फायदा है, मैं जो सक्सेस हूँ ड्यू टू द मेडिटेशन। तो आओ दोस्त, मेरे एक दोस्त को बुलाता हूँ, मेडिटेशन द टेक्निक फॉर द बिगिनिंग, द मेडिटेशन फॉर फोकस, मेडिटेशन कैसे करें, चलो एक बार और बताता हूँ एक साथी के साथ। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका बड़ा भाई रणवीर, और ये है एक सीक्वल वीडियो। लास्ट वीक हमने ये वीडियो रिलीज किया था जिसमें मैंने मेरे खुद का मेडिटेशन का एक्सपीरियंस शेयर किया था। मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल देगी, जिस तरह से आप दुनिया को देखते हो, जो चीजें आपके हार्ट में, आपके दिल में है, उस सब चीजों को मेडिटेशन एक ऐसी एक्टिविटी है जो बिल्कुल पलट देगी। इट विल मेक यू अ बेटर पर्सन, आपके दिल को साफ कर देगी, आपके दिमाग को साफ कर देगी, आपकी बुद्धि बढ़ाएगी, आपका ब्रेन का प्रोसेसर पावर बढ़ाएगी। तो चलो इस वीडियो में हम बात करते हैं मेडिटेशन बेसिक्स के बारे में, क्या होती है मेडिटेशन। तो पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि मेडिटेशन सीखने के लिए ना बहुत कोर्सेज होते हैं, बहुत सारे मोबाइल एप्स होते हैं, और बहुत सारे ओपिनियंस होते हैं। आदत है जिसके फायदे आपको अपने करियर में बहुत ज्यादा दिखेंगे, आपको अपने रिलेशनशिप्स में बहुत ज्यादा दिखेंगे, रोमांटिक रिलेशनशिप्स केवल नहीं, आपके घर पर जो रिलेशनशिप्स है ना, जब आप झगड़ा करते हो अपने मम्मी डैडी से, वो झगड़े कम होने लगेंगे, आप ज्यादा शांत हो जाओगे, आपका दिमाग बहुत तेजी से चलने लगेगा, बहुत ज्यादा तेजी से। ये देखो ये क्या है, ये है गोकू, ड्रैगन बॉल जी का मेन कैरेक्टर, एक एनिमे है, जहाँ कहते हैं कि यार अगर आपको अपना खुद का पोटेंशियल बढ़ाना है, नेक्स्ट लेवल तक पहुंचना है, तो वो क्या करना है, मेहनत करनी है। कैसे, गोकू क्या करता था, फिजिकल एक्सरसाइज करता था, उसके साथ मेंटल एक्सरसाइजेस भी करता था नेक्स्ट लेवल तक पहुंचने के लिए। फिजिकल एक्सरसाइज के लिए फिट बन जाओ, ठीक है, फिटनेस की रेजीम फॉलो करो, योगा, योगा दिस इज द एक्सरसाइज। के लिए तो मेडिटेशन करने की जरूरत है। 10 क्विक पॉइंट्स टू कीप इन माइंड फॉर बिगिनर मेडिटेटर्स। पॉइंट 1, अपने घर में एक बहुत ज्यादा कंफर्टेबल जगह ढूंढ लो, ठीक है, वो एक कुर्सी भी हो सकती है, वो एक बेड हो सकता है। काफी सारे लोग पता क्या करते हैं, क्रॉस लेगेड बैठते हैं, अपने पैरों को क्रॉस करते हैं और बम के नीचे एक तकिए को रख देते हैं ताकि बैक आसानी से आप स्ट्रेट रख पाए। देखो मेडिटेशन में आपको अपनी बैक स्ट्रेट रखनी है, केवल वो याद रखो, ओके। एक बार वो कर लिया, आप बैक रेस्ट भी ले सकते हैं, जैसे कि आप अपने दीवार के अगेंस्ट अपने बैक को बैलेंस कर सकते हैं। आप बस कंफर्टेबल रहो, क्योंकि आपको 20 मिनट तक उसी पोजीशन में बैठना है। अभी आइडियली अपने आंखों को बंद करना चाहिए, ठीक है, दैट इज टिप नंबर 2। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि यार एक्सरसाइज ही मेरी मेडिटेशन है, नहीं वॉक जब मैं जाता हूँ वही मेरी मेडिटेशन है। डेफिनेटली वो एक प्रकार की मेडिटेशन होती है, बट जिस प्रकार की मेडिटेशन से आपको मेंटल फिटनेस के फायदे होंगे ना, वो ट्रेडिशनल मेडिटेशन होती है। तो ट्रेडिशनल मेडिटेशन सीख लो, बेसिकली कंफर्टेबल जगह में बैठ जाओ, अपने आंखों को बंद करो और अपने हाथों को ऐसी पोजिशन में देखो, ऊपर टिल्ट किए बैठ जाओ, ओके। जब आप बैठ रहे हो तो थ्रू आउट द 20 मिनट्स, 20 मिनट तक आपको अपनी आंखों को बंद ही रखना है। पॉइंट नंबर, दोस्तों लेफ्ट हैंड जैसे भगवान बुद्ध बैठा है, लेफ्ट हैंड के ऊपर में राइट हैंड रखो, जहां तक कि आप राइट हैंड वाले हो तो लेफ्ट हैंड नीचे रखो और राइट हैंड ऊपर रखो। चलो तीसरा पॉइंट, नंबर 3, किस चीज पर फोकस करना है मेडिटेशन के दौरान। मेडिटेशन में आपको केवल एक चीज पर फोकस करना है, और वो फोकस ओनली द ऑन द जिस पर आपने इनिशियली अपना फोकस डाला है, वो या तो आपकी ब्रेथ हो सकती है, यानी कि आपकी सांसें हो सकती है, या एक मंत्र हो सकता है, जो भी रिलीजन आप फॉलो करते हो उस रिलीजन का कोई भी मंत्र जिसमें आपका दिल थोड़ा सा खुश हो जाता है, ठीक है। लोगों को लगता है कि यार मंत्र लंबे लंबे होते हैं, पर बीज मंत्र छोटे मंत्र भी होते हैं, एक शब्द जिसकी वजह से आपको
जैसा ओम मणि पद्मे ओम, जैसा आप बोल सकते हो ओम मणि पद्मे ओम, या आप कर सकते हो ओम, आप इस तरह से कर सकते हो ओम करके, ओ इस तरह से। चलो चौथा वाला बता दो टिप। पॉजिटिविटी फील हो, जैसे कि सिखिज्म में वाहेगुरु 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 होता है, हिंदुइज्म में ओम 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 होता है, उसी प्रकार से आपके रिलीजन में भी कोई ओम मणि पद्मे ओम हो सकता है, उस छोटे मंत्र का जाप करते रहो, ठीक है। तीसरी ऑप्शन, अगर आपको ऐसे सिंपल ऑप्शंस का फायदा नहीं उठाना है पता नहीं क्यों, तीसरी ऑप्शन है थोड़ी डिफिकल्ट है, मेडिटेशन इज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन। तो ये विजुअलाइज करो कि आपके अंदर लाइट भर रही है स्लोली। अब मैं आपसे कह रहा हूँ मेडिटेशन को भूल जाओ, ठीक है, मेडिटेशन को साइड में रख लो, अभी मेरी बात सुनो। मैं कह रहा हूं कि आपके दाएं हाथ के छोटी उंगली पर फोकस करो, पूरा का पूरा फोकस वहां डाल दो। अभी मैं कह रहा हूं कि वही फोकस को अपने पैर में डालो, स्लोली इमेजिन करो कि आपके सर खोल के कोई आपके अंदर पानी डाल रहा है। अभी पानी मत मानो, अभी लाइट मानो उसे। जब मेडिटेशन के लिए बैठ रहे हो ना, एक जगह में बैठ कर बैक स्ट्रेट रखो और बस वही चीज पर फोकस करो कि आपके पूरे बॉडी के अंदर लाइट भर रही है, पूरे बॉडी के अंदर लाइट भर रही है, बस पॉजिटिव लाइट है। और यही है अगला पॉइंट, आपको हमेशा मेडिटेशन के दौरान थोड़ी पॉजिटिव माइंडसेट की आदत, कीप द पॉजिटिव माइंडसेट। जो भी आपके लिए पावर का डेफिनेशन है, कोई कोई लोगों के लिए पावर का डेफिनेशन गॉड होता है, कोई कोई लोगों के लिए यूनिवर्स होता है, पॉजिटिविटी होती है, लाइट होती है, खुशी होती है, उन चीजों के बारे में सोचो और ये सोचो कि यार मेरे ऊपर भी एक बड़ी चीज है जिसे लोग खुदा कहते हैं, जिसे लोग यूनिवर्स कहते हैं, गॉड कहते हैं, हायर पावर कहते हैं, उसकी प्रेजेंस थोड़ी सी फील करो। ये थोड़ी मुश्किल पॉइंट है, बट अगर आपने ये क्रैक कर दिया ना, बहुत फायदा होगा। ओके, फिफ्थ पॉइंट, ये सब सिंपल है, अभी टाइमिंग तो 20 मिनट तक आपको बैठना ही है। सीट पहले दिन अगर आपको केवल 15 मिनट के लिए बैठना है तो फाइन, 15 मिनट्स ऑन द फर्स्ट डे मेडिटेशंस अलमेट फॉर द मिनट, मेडिटेशंस करो 15 मिनट फॉर द फर्स्ट 20 मिनट्स 30 मिनट्स तक, 30 मिनट मेडिटेशन करो तो बहुत यू विल बी द बेनिफिट वेरी सून, इसके बारे में दिखने लगेंगे। ये याद रखो कि जब आप मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे ना, तो एक ऐसे अप्रोच के साथ जाना चाहिए कि यार मैं ना ये मेडिटेशन क्यों कर रहा हूँ, लाइफ के लिए, एक लाइफ की आदत है, जैसे कि आप ब्रश करते हो, जैसे कि आप सुबह सुबह नहाते हो, ये एक नई आदत हो जाती है। योर डेली हैबिट्स, आई विल मेडिटेट फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ, हर दिन मेक्स द मेडिटेशन योर डेली लाइफ। ज्यादा बिजी डे आपका, आपको टाइम ही नहीं मिला, तो पता क्या करना चाहिए, रात को सोने से पहले सुबह सुबह उठ कर नहा कर मॉर्निंग टाइम इज द बेस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द मेडिटेशन। जब आपका पेट खाली हो ना, तब जो आपका पेट खाली होता है ना, तभी आपका फोकस आपके मेडिटेशन में आसान। दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा रणवीर जी रोक कर मैं रियल कुछ बातें बताना चाहता हूँ, आपसे भी मेरा पावरफुल मेडिटेशन है। दोस्तों जैसे भी आप उठते हो तो आप ओवर थिंकिंग, कुछ भी कल की बातें हो, कितना भी टेंशन हो, छोड़ दो उसको। आप पहले जाकर बेड पर, पहले जाकर यूरिनल में जाओ और यूरिनल कर लो, क्योंकि यूरिनल करना बहुत आवश्यक है। फिर आपका पेट खाली होना चाहता है तो आप पेट साफ कर लो, नहीं तो आप एक काम करो, गुनगुना पानी जाकर थोड़ा गर्म पानी पी लो। शरीर में बहुत सारे कीड़े होते हैं दिन भर के, वो नष्ट हो जाते हैं। और आपको शुगर है तो आप थोड़ा एक काम करो,
आप 4-5 बादाम, एक थोड़ी मीठी चीज जो आपको बेनिफिट हो, जिसके आपके शरीर को जो थकवा है वो निकल जाता है। एक आधा ऐसा लड्डू मैं बनाया हूँ, मेरी मिसिस ने बनाया, जहाँ काजू किशमिश बहुत सारी चीज़ें रहती है, वो लड्डू खाने से एनर्जी आती है और वो एनर्जी से आप मेडिटेशन में तैयार हो जाते हो। फिर आइए, एक जगह ढूंढ लीजिएगा, उस जगह पर बैठ जाइए, नीचे अगर अच्छी जगह हो तो वहाँ बैठ जाइए, या बेड पर बैठ जाइए या फिर चेयर पर बैठ जाइए और धीरे अपने पोजीशन में बैठिए, सीधे पोजीशन में, हर बार आपको सीधे चलना है। भगवान बुद्ध कहते हैं, चलते समय, बोलते समय, खाते समय, पीते समय, हर बात अपने रीढ़ की हड्डियाँ सीधी रखना चाहिए। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होते हैं, पाँव में दर्द होता है, हाथों में दर्द होता है, ब्रेन में दर्द होता है, हर चीज़ों में दर्द होता है, क्योंकि हम लोग खाना खाते हैं उसको पचा नहीं सकते। ब्रेन पर बहुत सारी चीज़ें का इम्पेक्ट होता है, हम उन्हें पचा नहीं सकते। तो दोस्तों, हाउ टू मेडिटेट, सुन मेरे दोस्त को रणदीप और रणवीर आगे की बातें करो। अगला पॉइंट फोकस की बात करते हैं। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि यार मैं एक चीज पर तो फोकस नहीं कर सकता। आपने तो कहा था कि ब्रेथ पर फोकस करो, हाउ टू कैन दिमाग पर फोकस, इंप्रूव योर फोकस। मेरा दिमाग यहाँ वहाँ भागने लगता है, यार वो नॉर्मल है, आप एक इंसान हो। मैं 5 साल से मेडिटेट कर रहा हूँ, आज भी मेरा दिमाग थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ भागता है, पर ओवर टाइम सालों की मेडिटेशन के बाद ना थोड़ा थोड़ा मेरा दिमाग शांत होने लगा है। जब आप मेडिटेशन के लिए बैठोगे ना, आपको ये लगेगा कि हाँ अभी मैं सिर्फ ब्रेथ पर फोकस करूंगा, मेरे सांसों पर फोकस करूंगा, ठीक है। आप फोकस कर रहे हो, फिर आपका दिमाग दौड़ने लगता है, यूट्यूब, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब, वापस लाओ, मैं ब्रेथ पर फोकस करूँ, दौड़ने लगता, समोसे वापस लाओ, फिर दौड़ने लगता, सचिन विराट, अरे मैं क्यों सोचा हो गया, वापस लाओ। जब आप वापस ला रहे हो ना अपने फोकस को, तभी ही आपका फोकस का एबिलिटी, आपकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, उस तरह से आपका मेंटल फिटनेस हो रहा है। आपका मेंटल फिटनेस और दिमाग तब वर्क होता है जब आप अपने फोकस को खींच के वो ब्रेथ पर ला रहे हो, वो मंत्र पर ला रहे हो, तो फोकस तगड़ा तब होता है। ओके, नेक्स्ट मेडिटेशन एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड 7 पॉइंट लर्न अबाउट द डिफरेंट मेडिटेशन टेक्निक, अलग अलग टेक्निक, कोई सही टेक्निक नहीं होता, हर इंसान के लिए अलग टेक्निक होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जिस टेक्निक से वो तीन मेडिटेशन स्टेप्स ऑफ द बिगिनर एक्सप्लेन रणवीर, हजार ट्रेंड्स आर द मेनी द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ मेडिटेशन। और अगर आपको बेसिक मेडिटेशन का टेक्निक चाहिए, मैंने ये वीडियो में ऑलरेडी कह दिया, अगर आपको एडवांस मेडिटेशन चाहिए, या तो ईशा फाउंडेशन, तो ईशा फाउंडेशन भी है, डॉक्टर सचिदानंद पुणे करें, आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग, अरे यार इससे भी पावरफुल हमारा तीन यार दोस्तों, आज देश में फादर हाउस सबसे पावरफुल हो रहा है। फादर हाउस एक ऐसा केंद्र है जिसको मेडिटेशन का फायदा मिलता है, ईशा फाउंडेशन भी है जो हमारे सदगुरु देते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन है, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन पीवी रविशंकर, ये खुद गोयनका गुरु जी के फॉलोअर थे, और उन्होंने क्या है, गोयनका गुरु जी ने धर्म की बातें भगवान बुद्ध की तरफ सौंपी। हमारे देश का बुद्ध पूरे जापान में गया, ऑल ओवर वर्ल्ड में गया, 150 कंट्री में गया, और आज हम लोग योगा को ही मेडिटेशन कर रहे हैं। योगा इज नॉट मेडिटेशन, आपको शायद मालूम नहीं है, योगा पतंजलि को योगा कहते हैं, इज द गुरु ऑफ द योगा, योगा इज द एक्सरसाइज एक्चुअली। यार मेरे दोस्त, भगवान बुद्ध 2600 साल पहले इन्होंने वो मंत्र दिया, भगवान बुद्ध ने शांति के लिए मेडिटेशन दिया, और वो मेडिटेशन आज पावरफुल पूरी दुनिया में चल रहा है। भगवान बुद्ध के 1200 साल बाद पतंजलि नाम का योगा मास्टर आया और भगवान बुद्ध को अपना गुरु मानता था, लेकिन आजकल स्वामी विवेकानंद भगवान बुद्ध को गुरु मानते थे। स्वामी विवेकानंद पर ओशो ने बहुत सारी टीका की, क्योंकि स्वामी विवेकानंद एक ऐसा स्टूडेंट था जो सिर्फ पढ़ सकता था, बातें बता सकता था, अपनी बातों को कर सकता था, स्वामी विवेकानंद ने गुरु माना। आपको किसी को गुरु मानने की जरूरत नहीं है दोस्तों, मैंने कभी किसी को गुरु नहीं माना, मेरा गुरु एक ही है, तथागत बुद्ध, बुद्धम शरणम गच्छामि,
आओ मेरे साथियों। ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस है इंडिया में जो अच्छे मेरिटेशन, रामदेव बाबा भी सदगुरु बताते हैं, तो अगर आपको नेक्स्ट सदगुरु की तरफ जाना चाहिए उनको भी हम बुलाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट पर आइए, आपको एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करनी चाहिए। बिल्कुल ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन, पर ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कैसे करें? वेरी हार्ड। माय रिकमेंडेशन किताबें रणवीर, ये भारतीय नागरिक होने का फायदा कि आपको नॉलेज, आपको नॉलेज चाहिए, एक्सेस है। रीड बुक्स, देश में रहकर ना आप स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशन इन सब चीजों के बारे में आपको बहुत सारा अभ्यास होना चाहिए। बुद्धिज्म का अभ्यास होना चाहिए, जर्नलिज्म का अभ्यास होना चाहिए, ऑटोबायोग्राफी आपको योगी उनकी बातें करना चाहिए। क्या है ठीक है, और थिंकिंग छोड़ दो यार, सद्गुरु जी के, सद्गुरु जी सही बात है, ये पढ़ लो। इनर इंजीनियरिंग देखो दोस्तों, मैंने देखा सद्गुरु है ना, सांपों को रखता है, ये करता है और बुद्धों को फॉलो करता है। इस दुनिया में, इस भारत में ज़्यादा बुद्ध अगर बोले तो लोगों को थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि हम बुद्ध भूल गए, बुद्ध भूलकर हिंदू बन गए हैं, हिंदू की डेफिनेशन को हम ना समझ सके। तो चलो सद्गुरु की वो किताब भी हम जानते हैं, इनर इंजीनियरिंग, हिमालय लस्ट, एवरेस्ट इचोज, इलाइटमेंट, धमली गांव एंड जॉय 24/7। दिस इज द बुक ऑफ द सद्गुरु। मेरे साथियों रणवीर चलो आगे बढ़ते हैं, मेडिटेशन में एंट्री करो और फिर वो चीज तो फादर हाउस आपके लिए मेडिटेशन केंद्र बना रहा है। और फाइनल पॉइंट, और फाइनल पॉइंट चीज याद रखो, प्लीज प्लीज चीज लाइफ के लिए याद रखो, लाइफ के लिए याद कि मेडिटेशन स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, बट स्पिरिचुअल ग्रोथ आपके काम के थ्रू भी होता है, जिस तरह से आप लोगों से बात करते हैं उसके थ्रू भी होता है, जो आपके ख्यालात होते हैं ना, जो अच्छे या बुरे, स्पिरिचुअल ग्रोथ उससे भी हैप्पीनेस थॉट अ लॉट ऑफ, जो डिसीजंस आप लाइफ में करते हैं ना उससे भी आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में पावर आ जाता है। जितना साफ आपका दिल रहेगा उतनी ही ज्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी आपकी, आपकी मेडिटेशन में भी आप ज्यादा डीप जा पाओगे अगर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ ज्यादा हो गई तो। तो द मेन रूल ऑफ लाइफ इज स्पिरिचुअलिटी इज नॉट मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी इज बीइंग अ गुड पर्सन। दिल साफ रखो, खुद स्पिरिचुअल ग्रोथ हो जाएगी, उसके साथ साथ अगर आपको मेंटल फिटनेस चाहिए और तगड़ी और तेज स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए, मेडिटेशन करने लगो। ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक तो, रणवीर चलो कुछ पॉइंट तुम्हारा अच्छे लगे, अच्छी बात है। 4 बजे उठाने का छोड़ने का तरीका कैसा है? मैं तो 2 बजे उठ गया, आज मैं 11 बजे सोया यार, और मैं कितने बजे उठा? 12:58 यानी मेरी नींद 2 घंटे हुई, लेकिन आई एम ए फिट पर्सन। इतना होने के बाद में भी मैं अच्छे से बातें करता हूँ, 18 घंटे काम करता हूँ, तो 4 बजे उठने का भी बहुत अच्छा तरीका है। 4 स्टेप ऑफ मेडिटेशन, बहुत सारी बातें कर सकता हूँ यार, लेकिन आप लोग सुनने में थक जाओगे। आई एम मास्टर ऑफ द मेडिटेशन, मैं बेसिक हाउ टू मेडिटेट, द बेसिक एंड एडवांस मेडिटेट, इसके बारे में भी चर्चा कर सकता हूँ, बहुत सारी बातें आपको बता सकता हूँ। हर दिन मेडिटेशन से आपको फायदा, द पावरफुल मेडिटेशन ऑफ द मोस्ट पीपल डू नॉट नो अबाउट दिस। तो आइए दोस्तों बेसिक मेडिटेशन के साथ में डॉक्टर सचिदानंद पुलेकर और आपका साथी, हर दिन का साथी, ध्यान करने के तरीके मैंने आपको बता दिया हूँ, तो क्या आपको समझा कि नहीं, किया और बताऊँ? तो साथियों चलो, हम बुद्ध को मानते हैं, बुद्ध के साथ जीते हैं, आप भी जिसको भी मानते हो उन मानिए। तो नमो नमो संघाय, नमो नमो बुद्धाय।
Om Mani Padme Hum, the jewels is in the lotus. Good time.
Thank you.
अत्तदीप भव स्वयं दीपो अत्तदीप भव स्वयं दीपो दया धर्म शांति आचार मुदतुला कूच हो स्वयं दीप हो अत्तदीप भव सरोज शाहे रंजावात सूर्य दे उपात आउरे रात सुदे श्योत तुझा श्वास अमृत के दीप स्वयं दीप दीप स्वयं दीप मानव आया हो तू मानव आदि देवरावणुदे शक्ति चीराती सत्वनुदे ज्ञान उठावरती इतर हुए आया ताची जीती तूल धुमलता हो सुगंध नगंध हो स्वयं दीप हो अत्तदीप
जान लिया मुझे तेरी जान लिया मैं मुझे Yeah.
यही जीवन का राज है, यही जीवन का सार है। सोचोगे तुम जैसा आओगे, जैसा वो हुआ and my machine love Aerial. It not only cleans tough stains in one wash, but also protects color, gives long-lasting freshness, and leaves behind no residue. It's the perfect all-in-one laundry solution for me. Aerial, loved by the washing machine makers around the world, not so much by tough stains. Thank you.
मातरम Gacchami
द्वितीयं विबुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं विधम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं विसंघं शरणं गच्छामि तृतीयं विबुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं विधम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं विसंघं गच्छामि पाणातिपाता वीरमणि शिखापदं समाधियामि अदिन्नदाना वीरमणि सचित्तपरियोदपणम् एतं बुद्धानसा